आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं लव डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। मुझे पता है आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। पता नहीं जंगकुक तुम्हें आज सुबह से हुआ क्या है, क्योंकि आज सुबह से तुम बिल्कुल ही डिफरेंट बिहेव कर रहे हो। टाइमस्केप्ड एट विमाइन होम। बोल ही देती हूँ अब पे, मुझे ना तुझसे कुछ कहना था। नो, एक्चुअली मुझे ना तुझसे कुछ पूछना था। हाँ पूछना था। हाँ बोल, तुझे क्या पूछना था? एक्चुअली वो बात ते जिमिन, तू इतना डर क्यों रही है जैसे कि तूने किसी की नोट्स चोरी कर ली हो? नो ते, आई एम रियली वेरी सीरियस, अब तो सुनेगी। ओके ओके जिमिन बोल, ते अगर कोई मुझे प्रपोज करे तो क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं बिना टाइम दिए हुए? ऐसा क्वेश्चन क्यों जिमिन, क्या किसी ने तुम्हें प्रपोज कर दिया है? हाँ अब नो आई मीन हाँ, आज मेरी क्लास में किसी लड़की ने एक लड़की को प्रपोज किया और उस लड़की ने बिना सोचे उस लड़की को एक्सेप्ट भी कर लिया। तो वही मैं सोच रही थी कि उस लड़की ने दोबारा सोचा भी नहीं और उस लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ओ तो शायद मेरे हिसाब से वो लड़की उस लड़की को पहले से जानती होगी और मे बी उसे पसंद करती होगी, तभी तो उस लड़की ने जैसे ही प्रपोज किया उसने एक्सेप्ट कर लिया। मगर हाँ, अगर आप किसी को अच्छे से नहीं जानते तो आपको टाइम लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस और इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। इसका मतलब मैंने सही किया। जिमिन, आई रियली लाइक यू, और कॉलेज के पहले दिन से, जब से तुम आई हो कॉलेज में, मतलब जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था तो मैं सोच रहा था कि कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। मतलब जब मैंने तुम्हें देखा, मैं तुम्हें देखता ही रह गया, मेरी नज़रें तुम पर से हटी नहीं रही थी। इसका मतलब तुम सिर्फ मेरे? नो जिमिन, मुझे गलत मत समझो, तुम ब्यूटीफुल हो तो तुम लोग तुमसे अट्रैक्ट होंगे, मगर तुम्हारा नेचर, तुम्हारे नेचर ने मुझे तुम्हारी तरफ और खींचा है। और मुझे पता है तुम बहुत सिंपल लड़की हो और मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद है जिमिन। अब जंगकुक, मुझे टाइम लगता है एक छोटी सी फ्रेंडशिप करने में, और मुझसे तुम ये क्वेश्चन कर रहे हो, देखो मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम हैंडसम हो, स्मार्ट हो, पर मुझे टाइम चाहिए ये पता करने के लिए कि मैं भी तुम्हारे लिए वही फील करती हूँ जो तुम मेरे लिए फील करते हो, इसलिए मुझे भी टाइम चाहिए। इट्स ओके जिमिन, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो, क्योंकि तुमने मुझे चांस दिया है, इसका मतलब तुम मुझे एक्सेप्ट करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूँगा। अब एक और बात जंगकुक, जब तक मैं अपनी फीलिंग कन्फर्म ना कर लूँ ये बात हमारे बीच ही सीक्रेट रहेगी। ओके सीक्रेट। जिमिन जिमिन तू कहाँ खो गई, तू सुन भी रही मुझे? हाँ एक्चुअली ते मुझे बहुत नींद आ रही है, चल सो जाते हैं और आज मैं तेरे रूम में सोऊंगी। ओके अलार्म सेट कर लूँ मैं। ओके गुड नाइट जिमना। जल्दी उठ, शुगर और जेहूब ऑलरेडी आ चुके हैं, तुझे प्रोजेक्ट भी बनाना है और तू यहाँ अभी तक सोई हुई है, ते उठ भी जा। हाँ प्रोजेक्ट, पर जिमिन वो तो मैंने अभी बनाया था ना। अच्छा पर वो कैसे, क्योंकि तू तो अभी तक यहीं पर सोई हुई है। ओह तो फिर मैंने वो शायद अपने सपने में किया होगा। ओके बेबी बियर, अब अपने सपने से बाहर आ जाओ और चलो, हमें प्रोजेक्ट बनाना है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, उठो चलो। तुम भी ना कहती, बड़े ही अजीब हो। अब ये बताओ कि संडे को भला कौन पढ़ता है? वो लोग जिनके प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पे पड़े होते हैं, जैसे कि हमारे अभी तक पड़े हुए हैं, हमें उन्हें जल्दी कंप्लीट करना है। मैं बाहर जाता हूँ, जेहूब के साथ आंसर्स खोजता हूँ, तुम जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आओ। ओके अदर साइड, आज तो बड़ा उदास दिख रहा है मेरे यार, इसका रीज़न कहीं जिमिन ने तुझे रिजेक्ट तो नहीं किया? टफर, ऐसा कोई नहीं जो जंगकुक को रिजेक्ट करे, बस आज संडे है, मैंने जिमिन को देखा ही नहीं,
और जिमिन ने कहा कि मैं उसे पसंद हूँ, मैं उसे हैंडसम लगता हूँ, बस उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए अपनी फीलिंग्स को मेरे लिए एक्सेप्ट करने के लिए। ओह, तो इसका मतलब बंदी आधी मान चुकी है। आधी नहीं यार, पूरी। बस जिमिन थोड़ी सी इनोसेंट है, उसे अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद वो मेरी गर्लफ्रेंड होगी। टाइम स्केप्ड इन लंच टाइम विद विमाइन। तेरी तो इतनी प्रीटी है, तुझे इस सब की क्या जरूरत है? नहीं जिमिन, तू इतनी ज्यादा प्यारी है तो मुझे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए सब करना पड़ेगा ना। नो ते, यू आर ब्यूटीफुल। अच्छा चल देखते हैं। ओके कैटवॉक वाली बेबी है तेरी जाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल, वो किथे चली जांदी है। ये सब क्या है शुगा? ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसकी सोलमेट का यहाँ पर ब्यूटी कंपटीशन चल रहा है जिमिन। देखा जिमिन, मैंने कहा था तू ही प्यारी लग रही है। नो दे, तू प्यारी लग रही है ना, तू अच्छी लग रही है। ओके ओके गाइस, लंच ब्रेक के साथ साथ अब तुम दोनों का कंपटीशन भी ख़त्म होता है। मैं बताता हूँ, तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो, अब ये लड़ाई बंद करो और ते यहाँ आओ, अपना प्रोजेक्ट लिखो। ओके मेरी प्यारी सिक्योरिटी, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। वैसे जॉब आयु किधर है? उसका प्रोजेक्ट नहीं है क्या? वो नहीं आई है तुम लोगों के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए? एक्चुअली उसे एक किसी इम्पॉर्टेंट काम से कहीं जाना था और मैं तो हुई उसे बताने के लिए। या बेनिफिट्स ऑफ बॉयफ्रेंड। ओ रियली ते, मैं भी तो तेरी इतनी हेल्प करता हूँ ना। या बेनिफिट्स ऑफ बेस्ट फ्रेंड ते। नेक्स्ट डे एट कॉलेज। ओफो, ये कैसा डांस पार्टनर मिल गया है मुझे। हर जगह लड़की लड़कियों का इंतज़ार करता है और यहाँ मुझे उसका इंतज़ार करना पड़ता है। इंतज़ार ही नहीं, उसे ढूंढना भी पड़ता है कि वो है कहाँ, क्लासेस के बीच कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ होगा वो। ते जंगकुक को डांस क्लास के लिए ढूंढते ढूंढते स्विमिंग एरिया से गुजरती है। स्विमिंग एरिया, क्या वो यहाँ हो सकता है? मे बी लड़कों का कोई ठीक भी नहीं, और वैसे भी गर्मी इतनी जो है, देख ही लेती हूँ, वैसे भी मुझे उसे ढूंढना ही है। ओह माय गॉड, क्या बॉडी है इस लड़की की। व्हाट द हेल, ये लड़की डांस क्लास में होने के बजाय यहाँ स्विमिंग एरिया में क्या कर रही है? और ये देखो लड़कों को कैसे ताड़ रही है। कैटवॉक वाली बेबी है तेरी जाल, बैकलेस। वाव, मैं पहले इस एरिया में क्यों नहीं आई? कितने हैंडसम बॉयज है यहाँ पर। ओफो, मेरी आंखें रुकी नहीं रही। नु पूछना है कोई सवाल, वो दस दिखवारिया है किसे। मैं कब से कॉलेज आ रही हूँ पर यहाँ क्यों नहीं आया अभी तक? मैंने कितना कुछ मिस कर दिया। ओ वाह, ये क्या हरकत है? हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे यहाँ पर स्विमिंग एरिया में आके लड़कों को ऐसे ताड़ रही थी? तुम कैसी लड़की हो मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? आह, पहले मेरा हाथ छोड़ो तुम। और हाँ, मुझे शर्म आई थी जब तुमने देखा था कि मैं उन्हें देख रही हूँ, लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने अगर उन्हें देखा तो क्या तुम लोग लड़कियों को नहीं ताड़ते? और मैं तुम्हारी डांस पार्टनर हूँ, लाइफ पार्टनर नहीं जो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। तो आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मुझे पता है आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे मैंने दिन बाद क्यों अपलोड किया, मैं थोड़ी बिजी थी रमज़ान की वजह से। अब मैं रेगुलर करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।